अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ मंजा डे 2 व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और चलिए, सुबह की मॉर्निंग हो गई थी। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और देखा कि पूरा फंक्शन हम लोगों ने कैसे किया था, तो अभी मॉर्निंग अम्मी ने जो है ना वह गर्नी बनाई दी थी सबके लिए नाश्ते में। और साथ में मैं बाजार गई थी तो कुछ चीज़ें लानी थी मुझे, तो यहाँ पे इडली रवा बिस्किट वगैरह सब मेहमानों के लिए मैंने सब लेकर आई थी। और यहाँ पर अभी तैयारी हो रही है अदरक लहसुन पेस्ट की, क्योंकि हमें वलीमे के लिए भी बनाना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ हेल्पर्स को रखा था, दो हेल्पर्स को हम लोगों ने रखा था ताकि वो घर के काम में हाथ बटाए और अम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो हम लोगों ने दो लेडीज़ को रखा था वर्क करने के लिए, मतलब ए टू जेड खाना पकाना, घर के सारे काम करना। और उतने में ही जो है ना भाभी का फर्नीचर भी आ गया था, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम मिल गया था दो दिन सेट करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सारा रूम क्लियर कर दिया था और साथ में जो है ना भाभी का फर्नीचर यहाँ पर रख के सब लोग सेट कर रहे थे। और यहाँ पे अभी बाहर चलिए, आपको बाहर का व्यू बता दी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं घर के सामने बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कीचड़ हो रहा था, तो भाई ने जो है ना इस तरह की एक मरहम की जो है ना लॉरी मंगाई थी और बस यहाँ पे घर के सामने जो है ना हम सब सेटिंग करवा रहे थे ताकि जब सब लोग आए, गाड़ी वगैरह ठहरे तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बारिश की वजह से जो है ना बहुत सारे घर के सामने गड़े पड़ गए थे, तो उसको क्लियर करवाया हम लोगों ने। और साथ में यहाँ पे जो है ना आज घर के सामने जो है ना कुछ इस तरह से मरहम वगैरह करा रहे थे। घर के सामने मरहम तो डला दिया था, बट वो जो लेवल करने की गाड़ी आई थिंक नेक्स्ट डे आने वाली थी। और देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा घर कैसे चमक रहा है, घर पे लाइटिंग्स वगैरह भी लगा दी थी। तो आज मंजा डे 2 है, तो आज जो है ना हमारे मामी लेकर आए थे मंजा, हमारे मामी हैदराबाद से जो है ना नानी नाना और मामी मंजा लेकर आने वाले थे। और फिलहाल के लिए जो है ना तौसीफ के ससुराल वाले आए थे और अम्मी और भाई के लिए मंजा लेकर आए थे, कपड़े वगैरह बनवाने थे, तो वो अभी रस्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज भाई के बाजू अम्मी बैठे थे और अम्मी के लिए और भाई के लिए कपड़े और जो मंजा होता है ना फूल वगैरह मिठाई सब कुछ जो है ना आज सबा भाभी यानी कि हमारे दूसरी भाभी सबा भाभी की तरफ से सिद्धरामपुर से सारी चीज़ें आई थी। तो बस यहाँ पे सबा भाभी हमारे जो है ना रस्म कर रहे हैं, मंजे के फूल वगैरह पहना रहे थे यहाँ पे भाई और अम्मी को। माशाल्लाह सबा भाभी के घर से उनके अम्मी अब्बा पूरी फैमिली आई थी और सब लोगों ने बैठ के जो है ना मंजे के फूल वगैरह पहनाए और सबा ने देखे कितने अच्छे से रसम किया। और अभी टाइम हो गया था रात का और भाई को भी हल्दी लग गई थी और जो हल्दी हम लोगों ने भाई को लगाई थी ना वही उत्तरायण वाली हल्दी हम लेकर दुल्हन के घर आ चुके हैं, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी दुल्हन के लिए मंजा लेकर जाऊँ। और दुल्हन के लिए मैंने बहुत ही प्यारी सी मेहंदी, मतलब ऑर्गेनिक मेहंदी ली थी ताकि वो अपने हाथों में वही लगाए, कलर भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये वाला मंजा मैंने
लिया था ड्रेस है यहाँ पे, चूड़ियाँ मिठाई फूल वगैरह और मेहंदी लेकर मैं आ गई थी। तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे ही मेहंदी का फंक्शन था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक दिन पहले जाके मंजे का प्रोग्राम भी हो जाएगा और दुल्हन को मेहंदी भी देकर आते हैं। तो यहाँ पे मेरी तरफ से जो है ना, मैं मंजा लेकर आ गई थी। तो चलिए फिलहाल अब मैं दुल्हन का जो रस्में वगैरह होती हैं वो सब कुछ करूँगी और इंशाल्लाह आप लोग पूरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं दुल्हन के लिए बेसिकली मंजा लेकर जाऊं। बेसिकली सब लोग लेकर नहीं जाते हैं, बट किसी किसी की ख्वाहिश के ऊपर डिपेंड था। तो मेरा ख्वाहिश थी कि मैं दुल्हन के लिए लेकर जाऊं। तो यहाँ पर जाके मैंने कुछ मस्ती मजाक की और थोड़ी सी जो रस्में थी वो मैंने की और सबको हल्दी लगाया। बड़ा मजा, यहाँ पे ढोल वगैरह बजा रहे थे और ये ढोल मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं ढोल घर पर लेकर आ गई थी ताकि हमारे घर पर भी ढोल वगैरह बजाए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था, मंचों का बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने रस्म कर दिया था और सबको सलाम करके मैंने फिनिश अप कर दिया। और उसके बाद भाभी सब लोग जो है ना हल्दी लगा रहे थे बारी बारी से। हम लोग मामी नानी और सारे बच्चे सब लोग गए थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे अभी उरुज फिलहाल जो है ना मंजे की हल्दी लगा रहे हैं दुल्हन को, और सब लोगों ने यहाँ पे मुझे भी जबरदस्ती से हल्दी लगा ही दी थी और सब लोगों ने हल्दी बहुत खेली यहाँ पे, बहुत मजा आया। तो यही छोटी मोटी खुशियां होती है जो हमें लाइफ टाइम मेमोरी देती है और बहुत यादगार रहती है। तो अभी यहाँ पे भाभी जो है ना अपने होने वाली देवरानी को जो है ना हल्दी लगा रहे थे, और यहाँ पे साथ में जो है ना सना का ब्राइडल शावर भी होता, तो उनकी तरफ से उन लोगों ने किया था। सो कुछ इस तरह से हम लोगों ने रस्में वगैरह की एंड सेकंड मंजा हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। एंड घर आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे गीत वगैरह गाए और जो भी रस्में थी वो की। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है ना भाभी हमारी दुल्हन को, भाभी ने हल्दी लगा दी थी, सबा भाभी ने, मामी ने, सब लोगों ने हल्दी लगाई थी। और बस कुछ इस तरह से हम सब लोगों ने बारी बारी से दुल्हन को हल्दी
लगाए और थोड़ा दुल्हन को दुल्हन के साथ बैठे बात किए और साथ में जो है ना दुल्हन के साथ हम लोगों ने फैमिली फोटोज वगैरह क्लिक किए और फैमिली फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए थे। तो फैमिली पिक इज मैंडेटरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नानी के साथ मामी के साथ सब लोगों ने फोटोज वगैरह खिंचवा के फिर हम लोग घर आ गए थे। तो चलिए आज मंजे में हमारे मामी ने स्पेशल हैदराबादी खट्टी खट्टी बिरयानी बनाए थे और बहुत ही मज़ेदार बनी थी बिरयानी। और माशाल्लाह आज हमारे मामी और नाना की तरफ से जो मंजा था ना, उसी के साथ मामी ने मीठे में खीर बनाई थी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो बस हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, सब लोग बैठ के जो है ना फैमिली के साथ यहाँ पे डिनर एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे साथ में मामी की बनाई हुई गर्मा गर्म बिरयानी एंजॉय की हम लोगों ने, काफ़ी मज़े बनी थी। तो बस उसके बाद जो है ना हम लोगों ने कुछ मेम्बर्स ने हल्दी नहीं लगाई थी भाई को, तो फिर से हम लोगों ने भाई को बिठा दिया। तो जो भी बची कुची कसर थी हम लोगों ने निकाल ली, भाई को अच्छे से हल्दी लगाया। और यहाँ पर मैं ढोल जो लेकर आई थी ना हमारे भाभी के घर से, वो हमारे मामी ने जम के बजाया और सब लोगों ने जो है ना बहुत एंजॉय किया। जितने भी हम लोगों को गाने आते थे वो सब हम लोगों ने गाना गाया और मामी भी हमारे यहाँ पे गीत वगैरह जो भी थे वो गाए। और उसी के साथ मैंने भाई को हल्दी नहीं लगाई थी, फिर मैं घर आकर जो है ना भाई को हल्दी लगा रही थी। कुछ इस तरह से हम लोगों ने डे टू मंचा एंजॉय किया। और फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हम लोगों ने डे मंजा टू एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।